लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। हाइट स्टैंडर्ड्स, मतलब पेट तक आने वाली लड़की को भी चाहिए 6 फुट का आदमी। और ये सच है, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इस फैक्ट से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। सब लड़कियों को चाहिए 6 फुट का आदमी, लेकिन बात तो ये है कि वर्ल्ड के लड़कों में से सिर्फ 15 या 17% लड़के 6 फुट से ऊपर हैं। और बात सिर्फ डेटिंग की नहीं है, लोग दोस्त भी बनाने के लिए हाइट को दिमाग में रखते हैं, जॉब्स में भी ये देखा गया है, और दुनिया की हर चीज़ में ऐसा है कि शॉर्ट, मतलब जो हाइट में थोड़े से कम होते हैं, उन लड़कों के लिए थोड़ा सा नहीं काफ़ी मुश्किल होता है। और इसका सैड पार्ट मेरे भाई ये है कि आप इसके लिए कुछ खास कर नहीं सकते। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरी ज़िंदगी अपने जूतों में कुछ वो हाइट बढ़ाने वाली चीज़ भर के चलोगे, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपकी डेस्टिनी बन चुकी है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार बस जाके गूगल पे जो इंडिया के बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनकी हाइट देख लेना, आमिर खान और इन सब की एक बार हाइट देख लेना। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बताने से पहले एक फंडा समझाता हूँ, लड़कियों को और बेसिकली सबको हाइट क्यों पसंद है। क्योंकि स्पेशली अगर मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से ही बात करूं, हाइट का मतलब है स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एक बड़ा लड़का है जो कि शायद मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, लड़की ऐसे सोचती है। इंटरनल इंस्टिंक्ट यही होता है कि लंबा है तो मतलब मेरे से बड़ा है, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप लड़की से छोटे हो तो आपको इस चीज पे काम नहीं करना, मतलब आपको एक छोटे पॉइंट के हिसाब से मत सोचो कि हाइट हाइट हाइट, आप उसका पर्पस सोचो ना, आपको तो ये सोचना है स्ट्रॉन्गर कैसे दिखना है। तो स्ट्रॉन्गर दिखने के लिए अगर आप सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्गर की बात करो, अगर आप मसल वसल पुट ऑन कर लोगे, और आप मैं ये नहीं कह रहा एकदम वाइड हो जाओ, आपकी शेप खराब कर लो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एकदम स्ट्रॉन्ग दिखोगे, एकदम आपकी लीन मसल्स है एकदम, तो आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, तो आपने वो हाइट वाला फैक्टर थोड़ा सा कॉम्पेंसेट कर दिया। आप अगर ड्रेस बेटर करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप ऑल ब्लैक आउटफिट पहनोगे तो आप मोनोक्रोमैटिक ड्रेस पहन रहे हो तो आप थोड़े से लंबे लगोगे, तो अगेन आपकी अपीयरेंस फिर स्ट्रॉन्ग हो गई। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रखोगे, पर्सनालिटी अच्छी रखोगे, बात करने में एकदम स्ट्रांगली अप्रोच करोगे, तो अगेन आप स्ट्रॉन्ग हो गए। तो बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट दिखना है बस। बाकी अगर आप कमेंट्स में कहोगे तो मैं शॉर्ट गाइस के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे टाइप का फैशन और ग्रूमिंग करनी चाहिए डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।